और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सातों चरण के मतदान हो चुके हैं, वैसे में कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार घाटा देखने को मिल रहा है, अगर हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से देखेंगे। और वहीं इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बढ़त में जाती हुई दिखाई दे रही है। और राजधानी दिल्ली के छठे चरण में 25 मई को मतदान हुआ था और कुल 57.67% मतदान दर्ज किए गए थे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद जो असल तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। वहीं दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है अभी, लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल कुछ खासा कमाल करते हुए नजर आएंगे। और वहीं पर इस बार बीजेपी ने अलग अलग चेहरों पर कहीं ना कहीं दाव लगाया है। बीजेपी इंडिया ब्लॉक के बीच मुकाबला है और हर बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के तहत चुनावी रण में है। ऐसे पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं और संयुक्त उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी जहां पर चुनाव लड़ रही है कहीं ना कहीं वहां पर अरविंद केजरीवाल ने एक रणनीति के तहत ये पूरा मैदान कहीं ना कहीं बिछा कर रखा है। वैसे में माना यही जा रहा है कि एनडीए को इस बार दिल्ली में हो सकता है घाटा देखने को मिल जाए। लेकिन वहीं अगर इससे इतर देखा जाए तो वहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक सोमनाथ भारती ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोमनाथ भारती ने ट्वीट किया कि अगर उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने तो मैं अपना सिर मुड़वा लूंगा, मेरे शब्दों को लिख कर रख लो, 4 जून को सभी रिजल्ट एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और पीएम मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दिल्ली में सभी 7 सीटें इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस को मिलेंगी। वहीं मोदी का डर एग्जिट पोल का उन्हें कमतर दिखाने की अनुमति नहीं देता, इसलिए हम सभी को 4 जून को आम चुनाव के वास्तविक परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी और लोगों को बीजेपी के विरोध में जमकर वोट किया है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अलायंस की सरकार बनने की बात कही थी और विपक्षी दलों की बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को करीब 220 सीटें मिल रही हैं। इसके साथ ही एनडीए को करीब 235 सीटें मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पर स्थिर और मजबूत सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब ऐसे में दिल्ली का ये समीकरण नेताओं के हिसाब से, अरविंद केजरीवाल के हिसाब से या उनकी पार्टी के तमाम नेताओं के हिसाब से बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर दरअसल देखा जाए तो वाकई में दिल्ली का जो समीकरण है इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी इसके पहले चुनाव में कहीं ना कहीं जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। वहां पर मनोज तिवारी कहीं ना कहीं आप देखेंगे बार बार सांसद बनते हुए भी नजर आए, लेकिन इस बार मनोज तिवारी की सीट पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कन्हैया कुमार मैदान में है, ऐसे में माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार की जीत हो सकती है। आपकी और सीटों पर आप भले ही कन्फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार की सीट पर कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही है कि कन्हैया कुमार वहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो रिजल्ट आने के बाद 4 जून को पता ही चल जाएगा कि क्या वाकई में कन्हैया कुमार वहां से जीत दर्ज करते हैं या मनोज तिवारी एक बार फिर से वहां से अपना परचम लहराते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, जिस तरीके से सर्वे निकल कर सामने आ रहा है, ऐसे में कन्हैया कुमार को वहां बंपर वोटों से जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अभी कुछ कह पाना एकदम सटीक ये सही नहीं होगा, लेकिन ये अगर जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर जनता से बात करेंगे तो वहां पर जो सबका रुझान था कहीं ना कहीं बीजेपी को छोड़कर कन्हैया कुमार की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, मनोज तिवारी को छोड़कर कन्हैया कुमार के तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। अरविंद केजरीवाल का क्रेज भी कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को उनको उनके साथ जाता हुआ दिखाई दिया, तो ऐसे में उनके लिए प्रचार करने भी बहुत पहुंचे थे। मनोज तिवारी लगातार कहीं ना कहीं कुछ बयानों को लेकर, जैसे उनका जो कुछ ऐसे गाने हैं जिसको लेकर काफ़ी उनकी किरकिरी होती रही है, इस बार जनता ने भी उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी जनता ने उनको नकारने का काम किया है। तो ये तमाम तरीके का जो समीकरण बन रहा है अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये नतीजे कन्फर्म कि कौन जीतेगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, किस तरीके के आप रुझान देख रहे हैं दिल्ली में, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार में किसकी जीत हो सकती है, या आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर।